Hello everyone, in the previous video we discussed about sequence construct. In this video we are going to discuss about decision construct and repetition construct. So what is decision construct? In the decision construct, the program control is transferred from a certain instruction to some other instruction depending upon the condition met. सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में आप देख रहे थे कि फ्लो वन स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट पर सिंपली मूव कर रहा था, लेकिन डिसीजन कंस्ट्रक्ट में प्रोग्राम फ्लो कहाँ जाएगा, किस इंस्ट्रक्शन पर जाएगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है. कंडीशन ट्रू होगी तो किस इंस्ट्रक्शन पर जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल, और कंडीशन फॉल्स होती है तब प्रोग्राम कंट्रोल किस इंस्ट्रक्शन पर जाएगा. मीन्स कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट में प्रोग्राम का फ्लो कंडीशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं. इन रियल लाइफ एग्जांपल, योर फादर हैज़ गिवन यू सम मनी. ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिसाइड वेदर टू बाय एन आइसक्रीम और अ पिज्जा फ्रॉम इट. आपके फादर ने आपको कुछ पैसे दिए हैं, अब आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें ये डिसाइड करना है कि आप आइसक्रीम खरीदेंगे या पिज्ज़ा खरीदेंगे उस पैसे से. इफ़ द मनी गिवन इज़ मोर देन 50, अगर आपके फादर ने जो पैसा दिया है वो 50 रुपये से अधिक है, बाई पिज्ज़ा अदरवाइज बाई एन आइसक्रीम. अगर आपने फादर ने जो पैसा दिया है वो 50 रुपये से ज़्यादा है तो आप पिज्ज़ा खरीदेंगे, और अगर 50 रुपये से कम है तो आप आइसक्रीम खरीदेंगे. तो कैसे इसका हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले एक हम टर्मिनल बॉक्स लेंगे और उस टर्मिनल बॉक्स में हम टाइप करेंगे स्टार्ट. उसके बाद हम इनपुट बॉक्स लेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स लेंगे, और उस इनपुट आउटपुट बॉक्स में हम लिखेंगे गेट मनी. ओके, फिर उसके बाद हम लेंगे एक डिसीजन बॉक्स, और इस डिसीजन बॉक्स में हम लिखेंगे इज़ मनी ग्रेटर देन 50. क्या मनी 50 से अधिक है, 50 से ग्रेटर है? इफ़ यस, अगर यस हो गया तो प्रोग्राम कंट्रोल किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है, बाय पिज्ज़ा. ठीक है, और अगर आपके फादर ने 50 रुपीज़ से कम दिया है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया. ठीक है, इज मनी ग्रेटर देन 50, नो नहीं है ना, तो क्या खरीदेंगे आप खरीदेंगे आइसक्रीम, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप. ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जांपल कि अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं, अगर वो पैसे 50 रुपीज़ से अधिक हैं तो आप पिज्ज़ा खरीदेंगे, अगर वो पैसे 50 रुपीज़ से कम हैं तो आप आइसक्रीम खरीदेंगे. और डिसीजन कहाँ लिया जा रहा है, इस डिसीजन बॉक्स में, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम का कंट्रोल या तो इधर जा रहा है या तो इधर आ रहा है. ठीक है, देख रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट. डिसीजन कंस्ट्रक्ट में डिसीजन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो करता है. ठीक है, हियर इज एन अनदर एग्जाम्पल. Accept 3 numbers and find the average. If the average is greater than 80, print good. Otherwise, print work hard. आपको average निकालना पता है कैसे निकालते हैं? अगर आपको 3 numbers का average निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा. तो उसके लिए क्या होगा average का formula? Average equals to A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर आपको किन्हीं 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3. मतलब कि जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐड कर देंगे, और फिर 1, 2, 3 नंबर्स है ना, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से क्या निकल जाएगा, हमारा एवरेज निकल जाएगा.
अब हम देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ ये रहा है कि आपको कोई 3 नंबर्स इनपुट कराने हैं। इनपुट कराने के बाद आपको उसका एवरेज निकालना है, और अगर एवरेज ग्रेटर देन 80 आता है, अगर एवरेज 80 से अधिक आता है तब आपको क्या प्रिंट कराना है, गुड। लेकिन अगर एवरेज 80 से कम आता है तब आपको क्या प्रिंट कराना है, वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक टर्मिनल बॉक्स लेंगे और उस टर्मिनल बॉक्स में लिखेंगे हम स्टार्ट। फिर उसके बाद हम एक इनपुट आउटपुट बॉक्स लेंगे और उसमें हम 3 नंबर्स को एक्सेप्ट कराएंगे, इनपुट कराएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ नीचे आएगा क्योंकि इसका एरो हेड इस तरफ है, आप देख पा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रोसेसिंग कराएंगे और प्रोसेसिंग बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, ए वी जी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है तो आप देखिए, यहाँ पर आप डिसीजन एवरेज आप निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज निकालते टाइम आपको क्या कराना है, आपको प्रोसेसिंग कराना है। और ये कौन सा बॉक्स दे दिया है, ये तो इनपुट आउटपुट बॉक्स दे दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रोसेसिंग बॉक्स होना चाहिए कुछ ऐसा। ठीक है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, ये गलत बना दिया है इसने, इसने इनपुट आउटपुट बॉक्स बना दिया है। तो कौन कौन सा स्टेप हुआ, फर्स्ट तो ये हुआ कि हम टर्मिनल बॉक्स लेंगे उसमें स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम एक इनपुट आउटपुट बॉक्स लेंगे और उसमें 3 नंबर्स को इनपुट कराएंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी। उसके बाद हम एक प्रोसेसिंग बॉक्स लेंगे और उसमें लिखेंगे ए वी जी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर इक्वल्स टू भी इसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, मैं एक बार फिर लिख देती हूँ क्लियरली। फॉर्मूला क्या होगा, ए वी जी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हम कहाँ लिखेंगे, प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखेंगे। प्रोसेसिंग बॉक्स कैसा रहेगा हमारा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेसिंग बॉक्स में हम लिख लेंगे। उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आएगा, फिर इस डिसीजन बॉक्स पे आएगा, और इस डिसीजन बॉक्स में हमने क्या लिखा है, इज एवरेज ग्रेटर देन 80। क्या कंडीशन है कि एवरेज 80 से ग्रेटर है या नहीं है, ये कंडीशन है हमारा। तो जो हमारा यहाँ एवरेज आया रहेगा, यहाँ प्रोसेसिंग से जो एवरेज आया रहेगा, अगर वो 80 से अधिक है, 80 से अधिक है मतलब कंडीशन ट्रू है, यस, तब क्या प्रिंट होगा, गुड। और आप जानते ही हैं ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है, तो अगर इनपुट कराना है चाहे आउटपुट कराना है, दोनों के लिए इसी इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे हम। लेकिन अगर आपका ये जो एवरेज है वो लेस देन 80 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तब हम क्या प्रिंट कराएंगे, वर्क हार्ड। ओके, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। आ रही है बात समझ में, क्या करना था हमें, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए अपने बुक में, यहाँ पर प्रोसेसिंग बॉक्स रहेगा और यहाँ ए वी जी के बाद इक्वल टू साइन रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक टर्मिनल बॉक्स लेके स्टार्ट करना है, 3 नंबर्स को इनपुट कराना है, उनके लिए एवरेज निकालना है, फिर यहाँ से चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो गुड प्रिंट करेगा, और फॉल्स होगा तो वर्क हार्ड, और लास्ट में हम इस फ्लोचार्ट को स्टॉप कर देंगे। थर्ड वन इज रिपीटिशंस लूप कंस्ट्रक्ट। इन द रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट लूप्स आर यूज्ड। रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट में लूप्स का यूज होता है। अ लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स अगेन एंड अगेन टिल अ कंडीशन इज मेट। अ लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स।
लूप का यूज किया जाता है एक सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स को बार बार रिपीट कराने के लिए जब तक कि कंडीशन मिल ना जाए जो हमें चाहिए। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ लूप इन रियल लाइफ। एक रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए यू आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन अ गार्डन एंड डिसाइड टू टेक 6 राउंड्स ऑफ द ट्रैक। आप एक गार्डन में दौड़ रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है, और आप डिसाइड करते हैं कि आपको उस ट्रैक का 6 चक्कर लगाना है, 6 राउंड्स लगाने हैं। ठीक है, यू फॉलो द प्रोसीजर गिवन बिलो। तो आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो नीचे दिए हुए हैं। क्या करना है आपको, मान लीजिए ये आप हैं और आपको इस सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ चक्कर लगाना है। ठीक है, 6 राउंड आपको लगाने हैं। तो कैसे आप करेंगे, आप करेंगे ये कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से आप दौड़ना शुरू करेंगे और फिर जब तक आप उस स्टार्टिंग पॉइंट तक आ नहीं जाते तब तक आपका 1 राउंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपने जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया आप वापस वहीं आ गए तो क्या हो गया, आपका 1 राउंड पूरा हो गया। क्या क्या प्रोसीजर हैं देखते हैं। यू चूज अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट रनिंग टू गो अराउंड द ट्रैक। आपको क्या करना है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। सपोज हम यहीं से ले लेते हैं, सपोज आप एक स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए और इस स्टार्टिंग पॉइंट पे से आप उस सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू कीजिए और फिर जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे तो आपका कितना राउंड हो गया, 1 राउंड हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड ऑन द ट्रैक यू रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, इट मार्क्स द फर्स्ट राउंड एंड देन द सेकेंड राउंड स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है और फिर यहाँ से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन दिस वे